गुड मॉर्निंग पीहू जी, उल्टा मत चलिए, आप गिर सकती हैं। तो अभी बज रहे हैं, ये 10 मिनट फास्ट है, 7:30 बज रहा है। चलो बेटा, चलो चलो चलो, वैन आ गई है बेटू। क्या करिए, बनाना नहीं लिया? एक बनाना दे दो। बाय पीयू, लव यू बेटा। नोटबुक दे दीजिएगा मिस को। अरे लगा कढ़ी पकौड़ा, हरी मिर्ची है। कहाँ चला गया हीरू? ये क्या गल्ला है चोतू, ये क्या गल्ला है चोतू? हाँ हीरू, ये क्या गल्ला है, मेढक बन गया क्या हीरा? अच्छा हीरू मेढक बन गया, पलट गया अपने आप से? हाँ अपने आप से पलट गया हीरू, क्या गल्ला है ये, क्या गल्ला है? गुड मॉर्निंग हीरू, गुड मॉर्निंग बेबी। टाडल्ला डोला बाबू छो बच्चे छो। निन्नू आली है क्या? निन्नू आली है क्या? हीरू को दीदी गई स्कूल। हीरू की दीदी हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैंने ईरा को नहला के सुला दिया है और मैंने यहाँ पे कपड़े लगा दिए हैं धोने के लिए। पीहू स्कूल जा चुकी है सुबह, वर्मा जी भी ऑफिस जा चुके हैं। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने फेस की थोड़ी सी पैम्परिंग करने। तो पपाया रखा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा पक गया था राय, तो मैंने उसको यहाँ पे दो पीस ले करके उसमें थोड़ा सा हनी डाल रही हूँ। मैं निकल नहीं रहा था, फ्रिज में रखा था तो जम गया। उसके बाद बहुत मुश्किल के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हनी निकाल करके मिक्स कर लिया था। एंड पहले एक लेयर मैंने अपने फेस पे लगाई, उसके बाद मैंने फिर दूसरी लेयर लगाई क्योंकि बहुत पतला सा था इसीलिए। तो अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने बालों को स्ट्रेट करने एंड साथ में सुखाने। तो मैंने यहाँ पे लिया है अगारो का हेयर वॉल्यूमिनाइज़र जो कि बहुत अच्छा है, मेरे बालों को एकदम स्ट्रेट कर देता है, फ्रिज फ्री बनाता है और काफ़ी अच्छा है। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया है। तो अगर आपके बाल गीले रहते हैं ना और आपको स्ट्रेट भी करना है साथ में सुखाना भी है तो आप ये स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और आपके बालों में वॉल्यूम भी क्रिएट करता है। तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। यस 15 मिनट बचा है 12 बजने में, तभी गुड मॉर्निंग ही है। एंड मैंने अभी फेस पैक लगाया था जो मैंने आपको दिखाया ना, क्या था, पपाया एंड हनी मिक्स करके। तो इस तरह की अपने होम इंग्रेडिएंट जो है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो फेस पे लगाते रहना चाहिए। मेरा तो बहुत कम हो जाता है, हो पाता है ये सब करना क्योंकि ईरा के चक्कर में नहीं हो पाता है। आजकल ईरा बहुत कम सोने लगी है, लिटरली बहुत कम सोती है। दिन में वो केवल 3.5-4 घंटे, कभी 3 घंटे इतना ही सो रही है। अगर आप लोग के पास कोई टिप है बच्चे को सुलाने की तो बताइएगा मुझे। वैसे मैंने ही बनाया है बच्चों को सुलाने का टिप, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, अपना बच्चा सो नहीं रहा है, कैसे भी करके बहुत ट्राई कर लिया नहीं सो रहा है। तो मैं आप लोगों से हेल्प लेना चाहूँगी, हर बार तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, इस बार आप लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो हेल्प करिए एंड बताइए। एंड कल पता है पीयू के स्कूल में एनुअल डे फंक्शन है तो चलेंगे साथ में और आपको भी लेके चलूँगी। पीयू ने सिंगिंग एंड डांसिंग में पार्टिसिपेट किया है, कल मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला था तो नहीं हुआ है। बालों की कुछ केयर नहीं हो रही है, बहुत ड्राई हो रहे हैं, रफ हो रहे हैं, ये सब जो है वो चल रहा है। सो चलो, एंड अभी ईरा सो रही है
पीहू तो स्कूल गई है, पीहू के ना टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, क्लास टेस्ट है 23rd से, तो अभी मैं जाती हूँ पहले कॉम लेकर के आती हूँ। तो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, 9:45 हो रहे हैं और आज है पीहू का एनुअल डे, तो यहाँ पे पीहू की भी छुट्टी है, दोनों बहनें मस्त अपना खेल रही हैं। हाय ईरा, हेलो पीहू, हाय। मैंने अभी हेयर वॉश करके नहाया है, बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली ऑयली से हो रहे थे। पीहू आराम से, हाँ बेटा, वाह दूर रहो, तुम्हारे बाल नोच लेगी। वो बाल पकड़ करके खींच लेती है। और जब जल्दी से मैं चाय बना लेती हूँ अपने लिए, चाय पीऊँगी, खाने वाली जो दीदी हैं वो बना के चली गई हैं, दाल रोटी सब्जी। कल क्या हुआ, हम लोगों ने जैप्टो से सामान मंगाया, जैप्टो से हमने ऑर्डर किया था, क्या बोलते हैं ये टमाटो, ठीक है, आलू टमाटर ख़त्म हो गया था, तो उस टमाटर की जगह पे उन्होंने भेजा है ये संतरा। तो फिर संतरा हम लोग इतना खाते नहीं हैं, सर्दी है थोड़ी सी, जुखाम भी, तो पीहू को भी नहीं देते हैं, तो मैंने फिर खाने वाली आंटी को ही 2-4 संतरे दे दिए और भारती दीदी को 1-2 दे देंगे। इस तरह से एक ट्राई करेंगे कैसा है, ज़्यादा नहीं खाते हैं इसलिए। और बताओ, मतलब टमाटर की जगह उन्होंने संतरा भेज दिया। चलो बातें बाद में करेंगे, फटाफट से चाय बनाती हूँ। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर मैंने पीहू का ड्रेस वगैरह निकाला। एक्चुअली ये जो ड्रेस है ना, ये पीहू को स्कूल से ही मिली है, कॉस्ट्यूम वगैरह, बस उसको रेडी करना है, तैयार करना है, मेकअप थोड़ा बहुत मैम ने बोला था, तो वही सब मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ, हम लोग बस निकलने ही वाले हैं। तो पीहू का डांस 2 सॉन्ग्स में है एंड एक वो सॉन्ग भी गाने वाली है, तो चलिए चलते हैं आज आपको भी लेकर के। लास्ट टाइम भी मैं आपको लेकर के गई थी, एक्चुअली मुलुंड जाना है हम लोग को, काफ़ी दूर है, सो टाइम भी लगेगा 1-1.5 घंटा। चलिए निकलते हैं फटाफट से और फिर देखते हैं आज क्या क्या होता है वहाँ पे। आज मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि आज ईरा जा रही है ना, वो छोटी है अभी, इसीलिए। हेलो बच्चों, हेलो पीहू, कहाँ है पीहू? हेलो ईरा, छोटा बेबी निन्नू आई है। वो पीहू के डैडी पीहू को छोड़ने गए हैं मैडम के पास पे, जहाँ पे सारे बच्चे एक साथ कलेक्ट हो रहे हैं, और अभी मैं और ईरा इधर बैठे हुए हैं। ईरा जग गई है, पूरे रास्ते सोते हुए आई है, बस चलते हैं। थोड़ी लाइन लगी हुई है यहाँ पे पेरेंट्स की, थोड़ा टाइम लगेगा अंदर जाते जाते, 2 बजे से स्टार्ट होना है प्रोग्राम, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो हम लोग अंदर गए तो यहाँ पे बहुत रश था और फिर हम लोग ऊपर आए हैं बैठने के लिए। तो आरोही आने वाली है। I'll just make a short announcement. As we take the students for national trips in the month of December, going to take a trip. तो सभी बच्चों ने यहाँ पे गाना भी गाया था एंड डांस भी था, तो पीहू का पहले यहाँ पे सिंगिंग प्रोग्राम था, तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो
तो छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए पीछे मिस भी जो है वो गाना गा रही थी, क्योंकि अभी बहुत छोटे बच्चे हैं इसीलिए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। शुरू किया उनके स्कूल के जिला चैंपियन से मुकाबला करने को कहा था। पीटी उषा ने जिला चैंपियन को हराकर अगले कुछ सालों तक अपने स्कूल और जिले के चैंपियन बनकर खूब नाम कमाया। है जो नहीं छोड़ी पास कोई अनुमान हो जो खास खास आशा हर कोशिश में हो बार बार कर दरिया from runners to sprinters that fly like wind are for strategizing and playing a- तो पीहू का डांस होने के बाद दो तीन प्रोग्राम हमने और भी देखे थे। फिर उसके बाद ना ईरा बहुत क्रैंकी हो रही थी और 4:30-5:30 का टाइम भी हो रहा था, शाम होती जा रही थी। सो हम लोग यहाँ से निकल लिए थे घर वापस आने के लिए, क्योंकि बहुत ट्रैफिक भी हो जाता, वापस आने में अभी बहुत ट्रैफिक मिलेगा, 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। सो बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलो चलो आपको कोई मुझसे भी शेयर करना। ही वो तो मेरी पीहू की थी, दीदी ने हमको चेंज करवाया। जाओ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, पीहू कुछ खिला दो यार। पीहू को लग गई है भूख, अब वो खा रही है बिरयानी, और अब मुझे भी भूख लग रही है। बज रहे हैं 5। तो फिर इसके बाद हम लोग ने रास्ते में कुछ कुछ चीज़ें खा ली थी, यहीं पे ही बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी खाने की, स्टॉल टाइप्स लगे थे तो वहाँ पे हम लोग ने खाया, और फिर उसके बाद हम लोग निकल आए थे। वो सब मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि एक हाथ में ईरा थी और फिर फटाफट से खाना भी था, भूख लग रही थी, और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे। इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। चलिए मिलती हूँ कल अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलती हूँ कल, बाय बाय एंड टेक केयर।